हम अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी कि हमारी आबो हवा में बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह है फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस वगैरह। गाड़ियों से लेकर कल कारखानों और घरों तक इनका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए होता है। इनके जलने से जो हानिकारक गैसें बनती हैं वो हमारी आबो हवा को जहरीला बना रही है। इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से मौसम गर्म हो रहा है। धरती के वातावरण को गर्म करती हुई ये जो गैसें हैं वो इस फॉसिल फ्यूल उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर हर बार ये चिंता जताई जाती है कि कैसे इन फॉसिल फ्यूल से निजात पाया जाए, तो इसका एकमात्र समाधान है टेक्नोलॉजी। इसी दिशा में G20 सम्मेलन के दौरान एक गठबंधन बना जिसका नाम था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। दरअसल हुआ क्या कि G20 की वो चकाचौंध और तस्वीरों और मंडपम में बाकी सारी चीजें तो डिस्कस हुई, रूस यूक्रेन हो गया और वो 83 पॉइंट हो गए, उसी सबके बीच में ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी हुआ था। ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अलायंस है। इसका मकसद है कि ऐसे बायोफ्यूल्स यानी कि जैव ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य हस्तियों ने 19 देश और कई और संस्थान, उन्होंने शनिवार को इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया, नई दिल्ली में ही हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अलायंस का बनना सतत और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब सवाल यह है कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का लक्ष्य क्या है, तो आपको यह बता दें यह अलायंस G20 में भारत के नेतृत्व में की गई एक खास पहल। इसका लक्ष्य है कि आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर में पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बायोफ्यूल्स को अपनाना। इस टिकाऊ जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दें। तमाम देशों के सहयोग से इसके स्टैंडर्ड यानी कि मानक बनाना और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्थापित करना, इसको अल्टरनेट की तरह प्रस्तुत करना यानी कि एक पेट्रोल मुक्त दुनिया देखना। अब आप सोचिए, आप सुबह उठे, आप गए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, आप गए पेट्रोल पंप और वहां आपने बोला कि अब एक काम करो, मेरी गाड़ी में अल्कोहल डाल दो। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, शराब नहीं। तो ये मुमकिन है। अभी क्या होती है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब थोड़ा सा पेट्रोल उसमें 10% इथेनॉल यानी कि गन्ना गला करके या पराली गला करके जो आप अल्कोहल बनाते हैं इथेनॉल वो मिक्स करते हैं। हमारे अभी की गाड़ी के इंजन ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब ऐसी भी गाड़ियां बन रही हैं जिनमें 100% मतलब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं। ब्राजील में हो रहा है, अभी टोयोटा वालों ने अपनी एक इनोवा का उद्घाटन किया, लॉन्च नहीं हुई है लेकिन वो एक ऐसा इंजन बनाया है उन्होंने जो 100% इथेनॉल से चल सकती है। ये अलायंस जो है बायोफ्यूल से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारियों को का केंद्र होगा जहां इससे जुड़ी पूरी विशेषज्ञता होगी। यह अलायंस बायोफ्यूल से जुड़ी टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में मदद करेगा। इसके इस्तेमाल से स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ने की दुनिया की कोशिशें और मजबूत होंगी और भारत भी इसमें एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। आप जानते हैं 2070 तक ये लक्ष्य भारत नेट जीरो का लेकर के चल रहा है, हम लोग पोल्यूशन एकदम नेट जीरो कर दें। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक ये अलायंस अगले 3 साल G20 देशों में $500 अरब के नए मौके तैयार करेगा। बायोफ्यूल्स में भारत की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ बायोफ्यूल्स के लिए ज़रूरी फैसलों की पैदावार काफ़ी होती है, जैसे गन्ना, जत्रोफा, पाम और कई तरह के तिलहन। इन सब चीज़ों से आप इथेनॉल बना सकते हैं और फिर उस गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाड़ी भी उस लायक होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला आप चले गए और भरवा लिए। भारत क्या बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में ये फसलें काफ़ी होती हैं यानी कि हम ये बना सकते हैं। अब तो गाड़ियां भी ऐसी बनती हैं जो कि 100% इथेनॉल में चले। अभी भारत में इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EBP, थोड़ा सा पेट्रोल 91% और 10% उसमें इथेनॉल,
इसको बढ़ा करके 20% किया जा रहा है, जो 2025 तक का टारगेट है सरकार का कि 2025 तक वो 20% हो जाएगा। और सरकार इस तैयारी में जुटी हुई है कि किस तरीके से ये 20% नहीं, ये सीधे पहुंच जाए 100%। ये हो सकता है, मुमकिन है, ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ऐसे इंजन गाड़ी में भी बन सकते हैं। अब इंतजार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है।